नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हूँ जिसे आप किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे या किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना लेंगे। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो और डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदे एक्स्ट्रा। ऐसे देखिए 8-8 फंदे हम गिने तो लास्ट में 5 फंदे बचना चाहिए तो ये डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। मैं डिजाइन इसके ऊपर ही बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस लाइन में यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे सीधे ही बुनेंगे ताकि उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए जैसे कि इसमें आई हुई है। तो दो लाइन बुनने के बाद ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तीसरे लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर को दूसरे कलर को अटैच कर लेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर दूसरे कलर के उनसे 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर एक फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा। अगले फंदे को हमें स्लिप करना है तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2 और 3। चौथे फंदे को स्लिप करना है, 5वें फंदे को सीधा बुनना है, 6ठे को स्लिप करना है, 7वें को सीधा और 8वें को स्लिप करना है। फिर हमें इन 8 फंदों को दोहराना है तो 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 3 फंदा सीधा बुना, 4थे को स्लिप किया, 5वें को फिर सीधा बुना, 6ठे को स्लिप किया, 7वें को सीधा बुना और 8वें को स्लिप किया। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तो 3 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और 4थे फंदे को लास्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब ये हमारे सिलाई का ये हमारे डिज़ाइन का 4था लाइन है और रॉन्ग साइड। तो स्लिप किए हुए फंदे को हम ऐसे पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे को सीधा बुनेंगे, 3 फंदे को उल्टा बुन लेंगे, 3 फंदे को उल्टा बुना। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब जो ये स्लिप किए हुए फंदे हैं 3 फंदों के बीच में जो 2 फंदे हैं हमारे, उनको हमें सीधा बुनना है। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, और देखिए ये हमारा बुना हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और जो ये 3 लगातार फंदे हैं जिसे हमने सामने से सीधा बुना था तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो 3 लगातार फंदों को हम, ये जो 3 फंदे इकट्ठे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब ये फंदा हमारा बुना हुआ है इसे हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर, और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और जो 3 लगातार फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा बुनना है। अब
फिर ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे स्लिप कर लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे के बीच में जो फंदे हैं, दो फंदे हैं, इन्हें हमें सीधा बुनना है। तीन स्लिप किए हुए फंदों के बीच के दो फंदे जो हैं, इन्हें हमें सीधा बुनना है। और ये तीन फंदे जो इकट्ठे हैं, उन्हें हमें उल्टा बुनना है। तो ये चौथा लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है और सामने से पांचवे लाइन में हम अपने पहले रंग के ऊन से पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब तीन फंदों को हम सेकेंडरी कलर वाले ये तीन फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। फिर पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर देखिए तीन फंदे इकट्ठे हैं, उन्हें हमें स्लिप करना है। फिर पांच फंदा सीधा। देखिए तीन फंदे लगातार हैं, इन्हें हमें स्लिप करना है। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हमें सीधा बुनना है। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर। लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे। अब ये हमारे डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से है। तो हम अपने दूसरे कलर के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन। चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यानी अपना हम तीसरा लाइन दोहराएंगे। सातवें लाइन में हम अपने तीसरे लाइन को ही दोहराएंगे। तीन फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। नेक्स्ट तीन फंदे सीधे, फिर अगले फंदे को स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है। लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे और चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड से जो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब ये तीन फंदे जो एक साथ हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। अब स्लिप किए हुए, देखिए तीन फंदे स्लिप किए हुए हैं, उनके बीच में दो फंदे हमारे दूसरे कलर से हैं, तो इन दो फंदों को हमें सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। अब देखिए ये तीन लगातार फंदे हैं तो इन्हें हमें उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए स्लिप किए हुए फंदे के बीच में ये दो फंदे बुने हुए हैं तो इन्हें हमें सीधा बुनना है।
उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए तीन लगातार फंदे हैं तो इन्हें हमें उल्टा बुनना है और इन दो फंदों को हमें सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है और स्लिप किए हुए बीच के दो फंदे जो हैं उन्हें हमें सीधा बुनना है और तीन फंदे जो इकट्ठे हैं उन्हें हमें उल्टा बुनना है। लास्ट फंदा दूसरे कलर का है, इसे हमें स्लिप कर लेना है। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारे डिजाइन का नौवा लाइन है। तो नवे लाइन में हमें अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। जो पहले कलर के भी फंदे हैं, जो दूसरे कलर के फंदे हैं, इस लाइन में हमें सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को वापस हमें सीधा ही बुन लेना है। नौवें लाइन में और दसवें लाइन में हमें सभी फंदों को सीधा बुन लेना है जिससे उल्टे फंदे की एक धारी आ जाए। अब ये हमारे डिजाइन का 11वां लाइन है और सामने से, तो यहाँ पे हम अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर देंगे। अब पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, चौथे फंदे को सीधा, पांचवें फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, तो इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर तीन लगातार फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब फिर इन्हीं आठ फंदों को हम वापस दोहराएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर हम अगले फंदे को स्लिप करेंगे। पांच फंदे हुए, फिर तीन फंदे हम लगातार सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। अब लास्ट में पांच फंदे बचे हैं, तो एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा और लास्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से ये हमारे डिजाइन का 12वां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये तीन स्लिप फंदों के बीच के ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमें सीधा बुनना है। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर और इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये तीन जो लगातार फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। फंदे को स्लिप करेंगे और स्लिप किए हुए देखिए तीन स्लिप फंदे के बीच के ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमें सीधा बुनना है। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तीन लगातार फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा बुनना है। तो इन्हीं आठ फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और अब ये हमारे डिजाइन का 13वां लाइन है और सामने से, तो पांच फंदे हम अपने पहले कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे, पांच फंदे सीधा, तीन फंदे स्लिप करेंगे, तीन जो एक पास फंदे हैं इन्हें हमें स्लिप करना है। और ये देखिए इन फंदों को, पांच फंदों को हमें सीधा बुनना है, एक दो तीन चार
पांच, और ये तीन फंदे जो एक साथ हैं इन्हें हमें स्लिप करना है। और ये स्लिप किए हुए, ये देखिए, ये इन पांच फंदों को हमें सीधा बुनना है। तीन फंदा स्लिप करना है, पांच फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुनने हैं। बुने हुए पांच फंदों को सीधा बुनना है उन अपनी ओर, और स्लिप किए हुए फंदों को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डाल के स्लिप कर लेना है, फिर उन दूसरी ओर। अब ये पांच फंदे बुने हुए हैं, इन्हें हमें सीधा बुनना है। उन अपनी ओर और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुने हुए फंदे सीधा और स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पंद्रहवा लाइन और सामने से। अब हम अपने दूसरे कलर के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। तो पांच फंदे हमने ऐसे बुने। अब इन तीन फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। फिर देखिए, ये पांच फंदे हैं, तो पहला फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा बुनना है, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप, और अगले पांच फंदे, अगले तीन फंदे सीधे। तीन फंदे सीधे। इन पांच फंदों में पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा बुनना है, लास्ट फंदा स्लिप करना है। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेना है, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेना है। और ये तीन लगातार फंदे हैं, तो इन्हें हमें उल्टा बुन लेना है। तो इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पहला फंदा स्लिप कर लेना है, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेना है, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेना है, और अगले तीन फंदे उन्हें हमें उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीन फंदे लगातार, तीन फंदे उन्हें हमें उल्टा बुनना है, और स्लिप किए हुए फंदे के बीच के जो दो फंदे हैं उन्हें हमें सीधा बुनना है। तो इन्हीं 16 फंदों को हमें वापस दोहराना है, यानी अगली लाइन में अपने फर्स्ट कलर से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे, यानी डिजाइन का पहला लाइन। तो इन्हीं 16 फंदों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन बनाने में आसान, और देखिए कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।